ओ भाई देखो जी भाई, कड़कनाथ मुर्गे का भाई लेग पीस। भाई मैं आपको ना एक वार्निंग देना चाहता हूँ इस कड़कनाथ के मुर्गे को खाने से पहले। भाई पिछली बार मैंने ट्राई किया था कि मैं इसके ना हड्डी को तोड़ता हूँ, क्या आज टूटेगा? दिस इज अ कड़कनाथ का लेग पीस, नाथ का भाई पोटा। तो जी दो जी सर के साथ। और भाई गल गया, भाई गल गया। ये जितने भी आजकल कड़कनाथ के मुर्गे आ रहे ना यार, ये वैसे नहीं आ रहे जैसे पहले आया करते थे यार। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा है भाई कड़कनाथ मुर्गे का भाई कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई कढ़ाई लगा दी है जी, गैस का फ्लेम बंद है। भाई ध्यान रहे, ये वही पे तेल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन किए थे। ये 8 से 10 टेबल स्पून है भाई, ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। अब करना क्या है भाई, डाल दो जी भाई दालचीनी, 2 बड़ी इलाचियां, 1 जावित्री, 1 चक्रफूल, 5-6 लौंग, 5-6 छोटी इलाचियां, भाई 2-3 तेज पत्ते ऐसे काट पुट के। भाई देख रहे हो क्या है भाई, ये जी जायफल, ठीक है, पूरे डालना इसे ग्रेट करने का, ठीक है, थोड़ा सा मतलब आधा चम्मच, ज्यादा नहीं भाई, 20-25 दाने भाई काली मिर्च के। भाई 1 चम्मच भाई धनिया का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी यानी कि हल्दी भाई, 5 चम्मच भाई कश्मीरी मिर्च का पाउडर भाई, 1.5 चम्मच भाई गर्म मसाले का पाउडर, 1 चम्मच भाई जीरे का पाउडर, नमक भाई स्वाद के अनुसार, 1.5 टेबल स्पून भाई अदरक, 3 टेबल स्पून भाई लहसुन भाई, 150 ग्राम दही भाई, बिस्किट है फेंटा हुआ भाई। गैस का फ्लेम ऑन कर लो और इसे मिक्स मुक्स कर लो जी अच्छे से भाई। उबाल आने तक करछी चलाते रहना भाई, करछी रुकनी चाहिए। तो लो जी उबाल आ गई है जी, मसाला पक गया है जी, करना क्या जी, गैस का फ्लेम भाई लो कर लो। भाई देख रहे हो क्या है भाई, कड़कनाथ का मुर्गा भाई कितना, 1 किलो 200 ग्राम था जी। हाँ भाई, साफ सूफ करके 900 ग्राम भाई रह गया होगा। दिस इज अ कड़कनाथ का लेग पीस एंड दिस इज कड़कनाथ का भाई पोटा। हाँ भाई चख लो। तो जी दो जी सारे का सारा कड़कनाथ का मुर्गा। तो जी गैस का फ्लेम हाई कर लो, कर दो इसको मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी अब करना क्या, करना कुछ खास नहीं है, आपने इसे 10 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे भाई भूनना है, ठीक है, भूनते रहिए भाई 10 मिनट तक। दोस्तों भाई 10 मिनट इसको भूनते हो जी हाई फ्लेम पे, अब करना क्या जी, हमने करना खास नहीं है भाई। मिलाओ जी इसमें भाई पानी, भाई ज्यादा नहीं मिलाया मैंने, करीब 1.5 गिलास पानी मिलाया जी मैंने इसमें, ठीक है जी, भाई इसे गलाने के लिए। तो भाई ध्यान रहे भाई, जो पानी है वो हॉट हॉट है, गरम गरम है, तो उसके भाई एक उबाल का वेट कर लो अच्छा खासी। तो लो जी भाई उबाल आ चुकी है भाई, गैस का फ्लेम लो कर लो भाई, इसे 15 मिनट के लिए भाई लो फ्लेम पे भाई पका लो। तो दोस्तों भाई पूरे 15 मिनट गए, चख लो। तो यार मुद्दा ये है कि अभी गला कितना है यार, ये अभी बड़ी गेम बाकी है। तो जब करना क्या है भाई, देख रहे क्या है भाई, ब्राउन प्याज है जी, प्याज फ्राई किए और भाई पेस्ट ला दिया, डाल दो भाई कितने, 4 प्याज है, ज्यादा नहीं है भाई, 25 काजू का पेस्ट भाई, दूध थोड़ा गर्म किया, काजू भिगो के रखे और बाद में पेस्ट ला दिया। तो जी गैस का फ्लेम हाई कर लियो, तो जी कर दो जो इसको मिक्स मुक्स। तो जी इसे हाई फ्लेम पे भाई केवल 2 मिनट के लिए पकने दो आप यार। तो जी 2 मिनट इसको पकते हो जी हाई फ्लेम पे, करना क्या जी भाई, गैस का फ्लेम लो कर लियो भाई, इस पे ढक्कन रख लियो भाई इसे गलने तक, ठीक है जी। अब ये 15 मिनट लेगा, 20 मिनट लेगा भाई, चेक करते रहना। तो दोस्तों भाई पूरे के पूरे 40 मिनट हो गए, चेक लो भाई। मुद्दा ये है कि गला या नो गला, ओ भाई आया आया आया, और भाई गल गया भाई, गल गया भाई, बहुत टाइम लगा दी भाई, 40 मिनट गए, 40 मिनट, ठीक है जी। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार है जी, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो जी अपना भाई कड़कनाथ का भाई कोरमा। भाई देखो यार, भाई बताओ दिखने में लग कैसा रहा है? हां ओ भाई देखो जी भाई, कड़कनाथ मुर्गे का भाई लेग पीस है भाई, मुर्गा मैं छोटा ही लेके आया भाई, 1 किलो 200 ग्राम का, हाँ साफ सूफ करके भाई 900 ग्राम रह गया था। हाँ भाई देखो जी, ये इसकी ग्रेवी देखो भाई, दानेदार। हाँ भाई कैसी ग्रेवी है दिखने में खूबसूरत या नहीं, ये पहले बताओ यार भाई, फोकस करो ना अच्छे से यार। हाँ बताओ, लुक एट दी पोटा। अब देखो जी, ये रहा जी कड़कनाथ का पोटा लोडेड विद तेल एंड मसाला। हाँ भाई देखो, ये जिसकी स्थिति एंड साथ में लिए जी ये भाई कटे कटे प्याज, डिमांसेशन हो चुकी है, तुम इधर आओ। तो जी मुद्दा ये है कि जो ये ग्रेवी है इसकी दानेदार, हाँ भाई ये खाने में कैसी है? हाँ तो आ भाई, ओ भाई लुक एट दिस ग्रेवी यार, भाई खूबसूरती आई है या नो आई है बताओ यार। भाई देखो इस रेसिपी में भाई तेल पड़ना ही पड़ना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता यार। हाँ आई एम सॉरी। तो आ भाई कर लो जी इसके टेस्ट। इस कोरमे का जो करी का फ्लेवर है भाई, वो सबसे एंटायरली डिफरेंट आया हुआ है यार। जो अपने कड़कनाथ का मुर्गा है भाई, जो इसका फ्लेवर आया जी ग्रेवी का, वो मुझे इतना ना सही लगा नहीं यार, इतना वो कैचिंग नहीं है, दिमाग को इतना क्लिक नहीं करता यार, सच में कह रहा हूँ मैं आपसे। मैं वो कह रहा हूँ आपसे कि
कड़कनाथ के मुर्गे में भाई कोरमा इतना सूट नहीं कर रहा, ये केवल अपने नॉर्मल मुर्गे में और पनीर में, मटन मैंने अभी ट्राई नहीं किया, और देसी मुर्गे में भी ठीक लगता है यार, ना जाने क्यों यार समझ नहीं आया, ऐसा लगता है कि जो इसका फ्लेवर जो उसका कड़कनाथ का रहता है वो डिफरेंट रहता है यार। तो आ भाई भाई दिया जी कड़कनाथ के मुर्गे का भाई लेग पीस, भाई पड़ जा पड़ जा पड़ जा, देखो जी ये जिसकी स्थिति भाई, इसका स्किन भी यार भाई बहुत फ्लेवरफुल होता है जो मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। हाँ देखो जी ये कड़कनाथ मुर्गे का भाई स्किन काला 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 काला, भाई ये इसको भी उठा के रखते हैं साइड पे, तो आओ पहले यही खा लेते हैं यार लगा लगा के। बहुत सॉफ्ट है यार, बहुत टेस्टी स्वाद आ गया स्वाद, इसे इसे पे रख देते हैं। पहले आपको अंदर की कंडीशन दिखाता हूँ मैं यार लेग पीस की, देखो ये देखो कैसा होता है ना, ऊपर काला काला नीचे चिटा चिटा थोड़ा बहुत। पर अभी एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, यार कड़कनाथ मुर्गा खाने पे ना ऐसा लगता है जैसे मैं बकरा ही खा रहा हूं यार, सच में महसूस नहीं होता कि आप कोई मुर्गा वगैरह खा रहे हो। जबकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी आजकल कड़कनाथ की मुर्गी आ रहे हैं ना यार, ये वैसे नहीं आ रहे जैसे पहले आया करते थे यार, एकदम काले काले आजकल, ये ना कुछ समझा मेरी बात, कुछ मिलावट है यार, मैंने नोटिस किया हुआ है, आप भी नोटिस करना। पहले पहले जब मैं एक बार मुर्गा लाया था ना, पहली बार कड़कनाथ मुर्गा बड़ा महंगा लेके आया था यार, पूरा काला काला पूरा ब्लैक था यार, देखो ये चिट्टा चिट्टा भी हो गया, वाइट वाइट है ये एवं मतलब कि कुछ ना कुछ समझे मेरी बात, कुछ पॉलिसी है। अब आप पूछोगे भाई इसका रेट कितना है इस कड़कनाथ के मुर्गे का, ये पड़ा जी मेरे को 1020 रुपये का, समझ लो कि शायद 850 रुपये किलो 900 रुपये किलो इसी के आसपास है यार, मुझे इतना आइडिया नहीं पर इसी के आसपास है यार। बट भाई पिछली बार मैंने ट्राई किया था कि मैं इसके ना हड्डी को तोड़ता हूँ कड़कनाथ के मुर्गे की लेग पीस की हड्डी को, क्या आज टूटेगा? ना यार नहीं टूटता भाई। ले देखिए अब जो समरी निकल के आती है जी कड़कनाथ के मुर्गे की टेस्ट की भाई कोरमे में, वो ये है कि भाई कोरमे में ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहा भाई कड़कनाथ का मुर्गा। अब एक किस तरह से सूट करता है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। क्या फ्राई करके नॉर्मल जैसे हम प्याज वगैरह का तड़का मार के बना देंगे सूखा सूखा, हाँ वैसा, या करी वाला, मुझे आप प्लीज़ कमेंट कर बताना, मैं वही ट्राई करेगा भाई नेक्स्ट टाइम। बट कोरमे में भाई क्लियर है कि ये सूट नहीं करता यार। तो आप एक पोटे कड़कनाथ के पोटे तू कैसे गुम हो गया भाई, अभी तू तो आया था मेरे हाथ में यार, देखो अब नहीं मिलने वाला मेरे को। अबे कहाँ डूबा हुआ है तू, अबे ये देखो जी ये डूबका हुआ है यार, अबे पोटे तू ऐसा ना करा कर यार। देखो जी थोड़ा साफ सूफ करते हैं बाद छाँटते हैं इसके, पोटा थोड़ा हल्का हल्का काला काला भी है, थोड़ा भाई थोड़ा ग्रे ग्रे भी है, एंड इथू भी ग्रे ही है, ठीक है जी। आओ इसे खाते हैं लगा लगा के विदाउट वेस्टिंग टाइम। कड़कनाथ का जो पोटा रहता है ना यार, ये क्रंची नहीं रहता जैसा देसी मुर्गे का क्रंची रहता ना, मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि शाम को लगा था उस समय कुकर में गल गया हुआ इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन नहीं यार रियलिटी में ये है कि ये क्रंची नहीं था, एकदम सॉफ्ट सा बनता है और बहुत फ्लेवरफुल होता है, टेस्टी होता है ये। स्वाद क्या स्वाद, पीस वो निकाल लेते हैं यार। अच्छा बताना भूल गया भाई, देखो जी अगर मैं ऐसे रेट करूँ ना रेट अपने, तो मैं ऐसे ना 8 नंबर दे दूंगा यार, 8 नंबर 10 में से 8 नंबर, उससे ऊपर बिल्कुल नहीं दूंगा यार कोरमे में, बाकी फ्राई करके देख लेंगे बाद में। अबे हड्डियाँ बहुत ज़्यादा रहती हैं, मांस कम रहता है, देखो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा रहती है यार, है ही नहीं कुछ भी। ये देखो ये स्किन में कह रहा हूँ ना, मुझे हमेशा अच्छी लगती है, कितनी बार बोलूँ यार। स्वाद
भाई स्वाद आ गया, ऐसे खाओ तो स्वाद आता है यार, ऐसी बात नहीं है। तो चलो भाई, पीस पुस हो गया, लेग भी हो गया, पोटा भी हो गया, सब कुछ हो गया, स्किन भी हो गया यार। अब मैं किंग को लेकर आता हूँ जी, वाह इच्छा तरीके से आज फुलके नहीं बनाए यार। तो लो दोस्तों भाई, किंग की एंट्री हो चुकी है भाई। किंग आज बहुत ही ज़्यादा खिला हुआ है, बहुत। देखो एक 1 2 3 4 दाना दाना एक समान। हाँ आओ भाई, तो आ भाई, ये पड़ा जी एक निक्का जी आप पीस, इसको डोलो जी इसके ऊपर। अबे ग्रेवी बहुत पड़ी थी मेरे पास यार, एक पीस और लेने हैं यार। बैठ जाओ इधर, तो ये कर दो उसको मिक्स मुक्स ग्रेवी को। अबे पहली बाइट, मजा आ गया, काफी मजा आया यार। किंग के साथ कोरमे का स्वाद आया, ग्रेवी का स्वाद, फ्लेवर अच्छा आया। जैसे मैंने पहले थोड़ा बहुत कहा आपसे कि इंजॉय मैं इतना कर नहीं पा रहा हूँ उसकी करी को, बट किंग के साथ खाने पे ना स्वाद आया। तो पॉइंट 20 नंबर आप, पॉइंट 0.20 बढ़ा दो उसका थोड़ा सा किंग के साथ में। आप मैं देखोगे पीस डाल के कैसा टेस्ट आएगा। ये ना ये स्किन वाला पीस डालूंगा इसके ऊपर, ये वाला, ये विंग है, विंग है क्या बोलते हैं इसको। हाँ पड़ जा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थोड़ी करी हो लेते हैं यार, वहां से उठाने में दिक्कत आ रही है, बहुत क्रीमी क्रीमी है। भाई मैं आपको ना एक वार्निंग देना चाहता हूं इस कड़कनाथ के मुर्गे को खाने से पहले, ठीक है। वो ये वार्निंग रहेगी कि जो रेसिपी है भाई कोरमे वाली खासकर कोरमे वाली भाई, इसे सर्दियों में ही खाना, गर्मियों में नहीं खाना। और जो मेरा भाई कहीं गर्म रीजन से मुझे देख रहा है भाई, इसे इस रेसिपी में ना बनाना, क्यों बहुत गर्म तासीर की होती है, गर्म आठ अंदर लीवर में भाई, बहुत गर्मी हो जाएगी अंदर बॉडी में। हाँ मैं वार्निंग दे रहा हूँ सबको, मैं अभी भी कह रहा हूँ बार बार कि भाई जो आदमी जो बंदा मेरा भाई बहन जो गर्म चीज़ें खाने के खा सकते हैं भाई वही खाना, और जो सर्दी वाले रीजन में लोग रहते हैं वही खाना, ठीक है, गर्म वाले ना खाना। इसकी तासीर बहुत गर्म है और रेसिपी भी बहुत गर्म है। हाँ नट मैग वगैरह जायफल हो, ये लटर बटर बहुत, बार बार कह रहा हूँ, बार बार मैं सच में कह रहा हूँ, मेरी बातों को लाइटली मत लेना यार। अब मैं नेक्स्ट टाइम ना इसे, मैं जैसे हम तवा चिकन बनाते हैं तवा चिकन, मैं इसको उसमें ट्राई करेगा, फिर मैं देखूंगा कि कड़कनाथ का जो टेस्ट है भाई उसमें कैसा आता है। भाई अभी तक मैं को ना सिंपली बताऊँ, मेरे को कड़कनाथ के टेस्ट ने इतना इंप्रेस नहीं किया हुआ यार, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपसे। हाँ बट हम टेस्ट अलग अलग रेसिपी ट्राई करेंगे, देखेंगे भाई किसमें क्लिक हुआ। अब मैं इसको तवा चिकन में ट्राई करेगा। तो दोस्तों भैया दादाजी कड़कनाथ का मुर्गा भाई कोरमे वाला कोरमा, आप भी ट्राई करना, मुझे बताना कैसा लगा, कैसा बना, जो मैंने वार्निंग दी है उसको आप ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय।